को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में अनुसंधान करता, सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO और SP, तीन और पांचों लोग एक साथ मिलेंगे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम में। तो पब्लिक को अगर केस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, किसी भी केस से संबंधित अगर प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने शेड्यूल के अनुसार उस दिन आ सकते हैं। तो उस जाना चाह रहा हूँ कि वो जो दिन रहेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके जो भी पब्लिक हैं उनको जिस थाना अंतर्गत उनका केस दर्ज है उस थाने का वो शेड्यूल देख सकते हैं कि सोमवार या मंगलवार कब है, और वो 10 बजे के पहले कभी भी आ सकते हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम में, और अनुसंधानकर्ता और हम लोग एक साथ मिल जाएंगे ताकि आमने सामने चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और जो भी कार्रवाई, जो भी उनका पक्ष है अनुसंधानकर्ता के सामने भी हम लोग के सामने रख सकें। हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनता दरबार चलता है, और इस जनता दरबार में आने वाले लोगों के जो आवेदन है उन पर कार्रवाई की जाती है। उनको अगर थाना स्तर या अनुमंडल स्तर से कोई न्याय नहीं मिल पाता है तो लोग यहाँ पर आते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को जो भी आदेश यहाँ पर पारित होगा उसकी अलग अलग कॉपियाँ होंगी, और एक आदेश सीधे वादी को जो यहाँ पर आवेदक है उनको हस्तगत कराया जाएगा, और उस आदेश को लेकर के वो सीधे अपने थाना और अंचल या अनुमंडल जहाँ भी उनको जाना है वो जा सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है चूँकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था, यहाँ से ऑर्डर निकलता था और हम लोग देख रहे थे कि पब्लिक के पास पब्लिक थाना में भी जाती है और बोलती है कि आदेश ऊपर से आया है, लेकिन जब पब्लिक के द्वारा बोला जाता था तो थाना स्तर से कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा था। तो हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाई है कि यहीं पर ही जो भी आदेश मेरे द्वारा या मेरे बिहाफ पर DSP हेडक्वार्टर के द्वारा या किसी और के द्वारा भी कोई आदेश पारित किया जाता है तो वो सीधे हम लोग आवेदक को देंगे, और आवेदक सीधे उसको ले करके उसकी कॉपी हम लोगों के पास भी रहेगी, आवेदक को ही सीधा वो एक लिफाफा में दिया जाएगा और उसको लेकर के वो थाना जाएंगे और अपने मैटर को परस्यू कर पाएंगे ताकि उनको पता रहे कि आ गया है। कई बार ऐसा होता था कि यहाँ से आदेश निकल गया है लेकिन थाना से टहलाया जाता था कि नहीं मिला है, नहीं मिला है, और आवेदक भी ट्रेस नहीं कर पाता था। उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। साथ ही हम लोग जो यहाँ पर कांडों को लेकर के लोग आते हैं कि अनुसंधान में जो केस दर्ज है उनमें न्याय नहीं मिल रहा है या किसी तरह की जाँच है या कोई भी उनका ग्रीवेंस है, तो उस ग्रीवेंस को लेकर के हम लोग एक नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम। 2 दिन के बाद इसका उद्घाटन भी होगा, अभी व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम जो है इसी कार्यालय कक्ष में निर्धारित किया जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 घंटे का टाइम निर्धारित किया है, 7 से 10, और 13 थानों को चिन्हित किया गया है। इन 13 थानों में जहाँ ज़्यादा केस पेंडिंग है वहाँ के सभी IO, SDPOs और पूरे ज़िले के सर्किल इंस्पेक्टर्स एक साथ हम लोग 3 घंटे के लिए, और मैं स्वयं 3 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, और उन कांडों की का अनुसंधान शीघ्र समाप्त हो सके उसकी समीक्षा होगी, और ताकि अधिक से अधिक निष्पादन किया जा सके। तो इस दौरान एक पहले से ही 13 थानों का शेड्यूल बना दिया जाएगा, 1 दिन में 2 थाने आएंगे। तो पब्लिक को अगर केस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, किसी भी केस से संबंधित अगर प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने शेड्यूल के अनुसार उस दिन आ सकते हैं। तो उस दिन आपको 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में अनुसंधानकर्ता, सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO और SP, तीन और पाँचों लोग एक साथ मिलेंगे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम में। 2 दिन बाद इसका उद्घाटन भी होगा तो मैं आपको और बृहद जानकारी दे दूँगा। फिलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो दिन रहेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके जो भी पब्लिक हैं उनको जिस थाना अंतर्गत उनका केस दर्ज है उस थाने का वो शेड्यूल देख सकते हैं कि सोमवार या मंगलवार कब है, और वो 10 बजे के पहले कभी भी आ सकते हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम में, और अनुसंधानकर्ता और हम लोग एक साथ मिल जाएंगे ताकि आमने सामने चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ और जो भी कार्रवाई, जो भी उनका पक्ष है अनुसंधानकर्ता के सामने भी हम लोग के सामने रख सकें। और तत्पश्चात हम लोगों की तरफ से वो डायरेक्ट रिसीविंग भी यहाँ दी जा रही है जिसको लेकर के थाना में लोग जा सकते हैं। तो इसके लिए थाना वाइज दिन निर्धारित किया गया है, थाना वाइज दिन निर्धारित कर दिया गया है, और भी कुछ और फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, कुछ रिसोर्सेज उसमें मैनेजमेंट बाकी है, वो भी हो रहा है। तो 2 दिन के बाद इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन भी किया जाएगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा।